फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है रो इंटरचेंजेस या पाइवटल कंडेंसेशन मेथड। फ्रेंड्स, ये मेथड हम पढ़ेंगे। इस मेथड की हेल्प से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जैसे हमने गॉसियन एलिमिनेशन से किया था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व, ऐसे ही अब हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस मेथड में भी हम गॉसियन एलिमिनेशन के कुछ स्टेप्स फॉलो करते हुए चलेंगे। तो देखते हैं, क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद पार्शियल पाइवटिंग। तो आपको ऐसे लिखा हुआ रहेगा कि किस मेथड का यूज करके आपने इसको सॉल्व करना है। यहाँ लिखा है विद पार्शियल पाइवटिंग, तो इस मेथड को पाइवटल कंडेंसेशन कह लीजिए या पार्शियल पाइवटिंग कह लीजिए। अब हमारे पास इक्वेशंस हमें गिवन है, तीन इक्वेशंस है। पहली इक्वेशन है 3x2 प्लस 4x3 इक्वल्स टू 2। सेकेंड है 4x1 माइनस 2x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 18। 3x1 प्लस 4x2 प्लस 5x3 इक्वल्स टू 11। तो ये तीन इक्वेशंस गिवन है हमारे पास। ये तीन वेरिएबल्स हैं x1, x2, x3। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर x1 वेरिएबल नहीं है, तो उसके लिए हम जीरो मानते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने गॉसियन एलिमिनेशन में इस मैट्रिक्स को ऑगमेंटेड फॉर्म में रखा होता है, तो हम ये स्टार्ट लिखते हैं ऑगमेंटेड फॉर्म में। वी राइट द ऑगमेंटेड फॉर्म फॉर द गिवन सिस्टम एज, ऑगमेंटेड फॉर्म में रखते हैं। ऑगमेंटेड फॉर्म के लिए हमें सारे वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट पार्ट है उन्हें रख लेते हैं। तो यहाँ पर x1 का कोएफिशिएंट पार्ट नहीं है, x1 ही नहीं है, तो हम उसकी जगह 0 रखेंगे। फिर 3, 4 राइट साइड वाले कॉन्स्टेंट पार्ट्स भी लिखेंगे, 4 माइनस 2 1 एंड 18, 3, 4, 5 एंड 11। तो हमने ये ऑगमेंटेड फॉर्म में रख लिया है मैट्रिक्स को। ऑगमेंटेड फॉर्म में रखने के बाद अब इस मेथड में आपने देखना होता है कि इस कॉलम में कौन सा एलिमेंट सबसे बड़ा है। पहला जो कॉलम है उसमें सबसे ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट। तो 0, 4, 3 में से लार्जेस्ट एलिमेंट 4 होगा। तो हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट होगा उसको ऊपर ले आएंगे, उस पूरी रो को। इन दिस केस 4 इज द लार्जेस्ट एलिमेंट इन फर्स्ट कॉलम, सो वी इंटरचेंज द फर्स्ट रो बाय सेकेंड रो। तो जो एलिमेंट ग्रेटर है उसको सबसे ऊपर लिख लेंगे, तो पूरी रो चेंज कर लेंगे उसकी। तो 4 माइनस 2 1 18 फर्स्ट रो हो जाएगा, 0, 3, 4 एंड 2 सेकेंड रो हो जाएगा। इंटरचेंज कर लिया है, अप्लाई हमने क्या किया, R1 चेंज टू R2। तो इंटरचेंज कर लिया है। इंटरचेंज करने के बाद अब हमने ट्रायंगुलर फॉर्म में मैट्रिक्स को बनाना होगा। ट्रायंगुलर फॉर्म क्या होती है, ये नीचे के तीन एलिमेंट 0 होंगे। अब 4 के नीचे वाला एलिमेंट तो 0 है, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो बाकी दो एलिमेंट 0 बनाएंगे। तो पहले 3 को 0 बनाते हैं। 3 को 0 बनाने के लिए क्या अप्लाई करेंगे हम, फ्रेंड्स 3 4 के मल्टीपल में नहीं आता है, और ये 4 1 नहीं है जो हम डायरेक्ट इसको 0 बना दें। जैसे कि हमने अपने पिछले क्वेश्चंस में देखा था कि सबसे पहला एलिमेंट अगर 1 होता है तो हम उसके मल्टीपल में उसको लेकर डायरेक्ट 0 बना सकते हैं। तो इस केस में कैसे 0 बनाएंगे, देखिए हमने 3 को 0 करना है, तो चेंज कर रहे हैं R3 में। R3 चेंज टू R3 माइनस 3/4, इसको डिवाइड कर देंगे इससे, क्योंकि ये एलिमेंट कितना है, R3 3 है, तो 3 माइनस 3 होगा एंड बाय 4 हो जाएगा इनटू में R1। तो R1 क्यों, क्योंकि R1 हमारा 4 ही है, तो ये कैंसिल आउट होगा, तो हमारा पूरा 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास जो सॉल्व करके इक्वेशन बनी वो होगी, 3/4 को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.75 आएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बनी R3 चेंज टू R3 माइनस 0.75 R1। अप्लाई करते हैं। अप्लाई के लिए देखिए यहाँ पे रफ में मैंने सॉल्व किया हुआ है, पहले इक्वेशन लिख लेंगे, देन इसको 0 करना है, तो 3 माइनस 0.75 इंटू 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हो गया, तो मेरा ये एलिमेंट क्या हो गया, 0। देखिए यहाँ पे चेंज कर लिया है, ऐसे अब इसको 0 करना है, क्योंकि हमने पूरी R3 में चेंज करना है, तो जितने एलिमेंट्स हैं R3 में वो सारे ही चेंज होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ रफ वर्क में हमने सॉल्व किया हुआ है कि कैसे रो 3 की वैल्यूज आएंगी
रो थ्री के लिए हमने इक्वेशन बनाई थी, रो थ्री चेंज टू रो थ्री माइनस 0.75 इंटू 71. तो फ्रेंड्स ऐसे ही हमने इन वैल्यूज को पुट किया इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारी वैल्यू आई 0, 5.5, 4.25 एंड माइनस 2.5. तो इन वैल्यूज को हमने रो थ्री में रख लिया है. इसके बाद हमारा जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में इस एलिमेंट के नीचे दोनों एलिमेंट जीरो हो गए. अब आप डायगनली जाएंगे, डायगनली जाने के लिए फोर के बाद आप थ्री पे जाएंगे, तो इस थ्री के नीचे वाले एलिमेंट को जीरो करेंगे. लेकिन उससे पहले आपने इस जगह पे डायगनली जो प्लेस है उस जगह पे ग्रेटर नंबर रखना है इन दोनों एलिमेंट्स में से. मतलब जब हमने फोर वैल्यू रखी तो हमने फर्स्ट थ्री इक्वेशंस देखी, फर्स्ट पूरा कॉलम देखा, तो उस अकॉर्डिंग हमने लार्जेस्ट नंबर यहाँ रखा, पहला एलिमेंट. अब सेकेंड के केस में, जब सेकेंड डायगनल एलिमेंट के केस में ऊपर नहीं जाएंगे, इन दोनों एलिमेंट्स में से ही देखेंगे कि कौन सा ग्रेटर है, देन उसको इंटरचेंज कर लेंगे. तो फ्रेंड्स 3 और 5.5 में से 5.5 ग्रेटर है, तो इसके लिए हम रो 3 को इंटरचेंज करेंगे रो 2 में. उसके लिए आपने लिखना क्या है वो देख लेते हैं. इसमें आपने लिखना है, इन दिस केस वी कंसिडर ओनली लास्ट टू इक्वेशंस. हम लास्ट टू इक्वेशंस कंसिडर कर रहे हैं एक्सेप्ट वर्स्ट इक्वेशन. फ्रेंड्स जो दो रो हैं लास्ट की, हम उनको ही ले रहे हैं, उनको ही कंसिडर कर रहे हैं लार्जेस्ट नंबर देखने के लिए. फर्स्ट इक्वेशन को हटा रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सेप्ट फर्स्ट इक्वेशन लिखा हुआ है. एंड लुक फॉर द लार्जेस्ट एलिमेंट इन सेकेंड कॉलम बिटवीन 3 एंड 5.5. तो हमें जो लार्जेस्ट एलिमेंट मिला वो 5.5 है. हियर 5.5 इज द लार्जेस्ट वन, सो वी इंटरचेंज सेकेंड रो बाय थर्ड रो. तो फ्रेंड्स ऐसे हमने ये डिस्क्रिप्शन दे दिया है जो हम इस मैट्रिक्स के अंदर करने जा रहे हैं. तो ऐसे आपने रो 3 को इंटरचेंज कर लेना है रो 2 के साथ. तो फ्रेंड्स हमने चेंज कर लिया है रो 2 को रो 3 से. तो डायगनली हम एलिमेंट्स देखते हुए चलेंगे, पहले इसको ग्रेटर एलिमेंट दिया, देन इसको ग्रेटर एलिमेंट दिया, अब इसके नीचे वाले एलिमेंट को जीरो करेंगे. तो हमारा जो आर थ्री में इसके नीचे एलिमेंट है उसे जीरो करेंगे. जीरो करने के लिए देखते हैं क्या करना है. अप्लाई करते हैं आर थ्री चेंज टू आर थ्री माइनस 3/5.5. जिसको जीरो करेंगे उसके डिवाइड में उसके ऊपर वाला, जैसे हमने यहां किया था वैसे ही यहां करना है. इनको डिवाइड करने के बाद वैल्यू आई 0.55. फ्रेंड्स यहां पे हमने दिखाया हुआ है ये कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं. 3/5.5 को आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.5454. अब ये वैल्यू चलती जाएगी 5454 5454. हमने इसको एक स्टॉपेज देना है, तो हम डेसिमल के दो वैल्यूज ले लेते हैं उसको तब स्टॉपेज देते हैं. लेकिन जो ये वैल्यू होगी एंड की वो उसके आगे वाले से देखकर सॉल्व की जाती है. कैसे, अगर ये 5 है, मान लीजिए ये 5-4 है, इसके आगे वाली एलिमेंट जो है 5 है, ये 5 होता है या 5 से बड़ा होगा तो इसके आगे वाले एलिमेंट में 1 जुड़ेगा. अगर ये 5 से कम है, मान लीजिए 1 2 3 4 होता, तो इसमें कुछ नहीं जुड़ता. तो अगर ये 5 होगा या 5 से ज़्यादा होगा तो हम इस 4 में कुछ ऐड करेंगे. तो फ्रेंड्स 5-4 में हम इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू हो गई 0.55. ऐसे हम इस वैल्यू को यहाँ रख लेंगे. ये इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन के लिए रो 3 को चेंज करेंगे. रो 3 चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, रफ में सॉल्यूशन गिवन है आपको 4-0.55 × 4.25, क्योंकि इसके ऊपर वाला एलिमेंट क्या है 4.25 है. तो सॉल्व करते हैं, वैल्यू आई 4-2.34. तो माइनस करने के बाद हमारे पास वैल्यू आया 1.66. तो ऐसे हमने इन वैल्यूज़ को यहाँ लिख लिया है. अब फ्रेंड्स देखिए हमारे ये तीनों ही एलिमेंट जीरो हो गए हैं, तो ट्रायंगुलर फॉर्म बन गई है. ट्रायंगुलर फॉर्म के बाद आपने बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है. बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, नीचे से स्टार्ट करेंगे. ये दोनों तो जीरो हैं, ये एक्स वन का कोएफिशिएंट था पहले, ये एक्स टू का, ये एक्स थ्री का, तो इनको वेरिएबल्स के साथ लिखेंगे. 1.66 एक्स थ्री इज इक्वल्स टू 3.38. फर्स्ट इक्वेशन हो गई. ऐसे ही सेकेंड के लिए 5.5x2 प्लस 4.25x3 इक्वल्स टू -2.5.
ऐसे ही थर्ड इक्वेशन को भी लिख लेंगे। तो ऐसे हम x1, x2, x3 की वैल्यू अब फाइंड आउट करेंगे। पहली इक्वेशन सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन थी 1.66 x3 इक्वल्स टू 3.38। देन ये x3 मल्टीप्लाई हो रहा है 1.66 के साथ, तो ये यहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में आ जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आई 2.03614578 31। इसको राउंड ऑफ करेंगे दो डेसिमल प्लेस के बाद। देखिए 03 है, 03 के बाद जो वैल्यू वो क्या है 6 है। हमें इसे 03 तक स्टॉपेज देना है, मतलब दो पॉइंट्स दो वैल्यूज तक। तो ये 6 जो है ये 5 से ग्रेटर है, तो हम इस 3 में एक ऐड कर देंगे। 1 ऐड करने पर ये हो जाएगा 4। तो वैल्यू क्या आई x3 की 2.04। ऐसे ही अगली इक्वेशन सॉल्व करते हैं। हमारे पास x3 की वैल्यू आ गई है, तो ये x3 की वैल्यूज के अंदर पुट करेंगे क्योंकि दो वेरिएबल्स हो रहे थे। इसको पुट करने से हमारी x2 की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट किया, दोनों मल्टीप्लाई हुए, वैल्यू आई 8.67। इस वैल्यू को राइट साइड लेके जाएंगे, फिर उसके बाद ये यहाँ प्लस की है तो यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ माइनस का हो गया है। अब हमारे पास ये दोनों माइनस माइनस के हैं, तो माइनस माइनस प्लस होता है। सॉल्व करने पे आया 11.17 माइनस 11.17। क्यों? क्योंकि 2.5 और 8.67 में से 8.67 ग्रेटर है, तो इसलिए माइनस का साइन। अब क्या होगा, 5.5 x2 को सॉल्व करेंगे इसके साथ, ये यहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में आने पर वैल्यू आई 2.030909। दो पर स्टॉपेज देंगे तो हमारे पास 0 है यहाँ पर। 0 के लिए यहाँ पे कोई ऐड नहीं होगा क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4 तक जितने भी ये नंबर्स होंगे इनमें कोई एडिशन नहीं होगा यहाँ पर। तो हमारे पास ये वैल्यू आई -2.03। अब फ्रेंड्स हमारे पास x2 एंड x3 की वैल्यू आ गई है, उनको इस थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट कर लेंगे। पुट करने के बाद वैल्यू हमारे पास कुछ ये आई है। अब इसके बाद इन्हें ऐड कीजिएगा, ऐड करके 6.1 आया। इसको राइट साइड लेके जाएंगे, वैल्यू आई 11.9। डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे वैल्यू आई 2.975। इस वैल्यू को यहाँ राउंड ऑफ नहीं किया है, तो वैल्यू राउंड ऑफ होके क्या होगी, देखिए दो वैल्यूज के बाद देखिए 5 है 7 के जस्ट बाद, तो 5 है तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो वैल्यू हो गई 8। तो हमारे पास x1 की वैल्यू क्या आई, x1 इक्वल्स टू 2.98, x2 है -2.03 एंड x3 है 2.04। तो फ्रेंड्स ऐसे आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है पार्शियल पाइवटिंग मेथड से। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।